आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। संभावनाओं को असीमित विस्तार दिया है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय खेल युवा कल्याण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय गृह खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री नीतीश प्रमाणिक जी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, देश के 207 विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी हमारे युवा मित्रगण और उपस्थित भाइयों बहनों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद देश की इस युवा शक्ति को प्राप्त हो रहा है। देश भर से आए हुए इन सभी युवा खिलाड़ियों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज ही अपनी 6 दिवसीय 3 देशों की सफलतम यात्रा के बाद भारत पहुंचे हैं। एक सफलतम यात्रा के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और अपने इन सभी युवा साथियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। इन 6 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सामर्थ्य, भारत की शक्ति का एहसास वैश्विक परिदृश्य पर हम सबको महसूस हुआ होगा। पहली बार किसी संप्रभु संपन्न राष्ट्र का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू करके अभिनंदन करता हो, यह दुनिया में पहली बार दुनिया के इतिहास में देखने को मिला है। जब पापुआ न्यू गिनी में 21 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत, वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए किया था, पूरी दुनिया भारत की इस ताकत का एहसास भी कर रहा था और दुनिया के उन सभी देशों के मन में जो दुनिया के उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, उस उभरती हुई महाशक्ति में भारत की लीडरशिप में उनके अंदर जो विश्वास पैदा हुआ है, यह दृश्य 21 जून की रात्रि में दुनिया ने देखा। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान और फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पूरा भारतवासी अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और यही नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मोदी इज द बॉस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च मान सम्मान किया जाता, अभिनंदन किया जाता है, हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन भारतवासियों ने वह भी क्षण देखा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा जाता है कि मोदी जी, इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लो,
तो भाइयों बहनों, हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में भारत की इस नई ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर होते हुए देखा है। आज के इस अवसर पर जब देश की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उतावला है, इस अवसर पर इस सफलतम यात्रा के लिए मैं आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, इस युवा शक्ति की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण के लिए अवसर देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो या फिट इंडिया मूवमेंट का, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन, खेलकूद की गतिविधियां गांव गांव तक पहुंची है। हर युवा और हर उम्र का व्यक्ति आज इन गतिविधियों के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरव की अनुभूति कराता है। स्वस्थ रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में तो योगदान देता ही है, साथ साथ एक समृद्ध भारत के आपके संकल्प के साथ जुड़ने का भी कार्य करता है। और आज आप ही की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। आज हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, और हर राजस्व गांव में युवक मंगल दल, महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट के माध्यम से खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 जून तक चलने वाले कार्यक्रम 21 खेलों के साथ 4,700 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ प्रदेश के अंदर 4 अलग अलग महानगरों में आयोजित होंगे, जिनमें 2 खेल वाराणसी में, 12 लखनऊ में, 5 गौतम बुद्ध नगर में, 1 गोरखपुर में और 1 खेल दिल्ली में भी संपन्न करने का कार्यक्रम बना है। महोदय, उत्तर प्रदेश ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक में और पैरालंपिक में भारत के जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, मेडल जीता था, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को लखनऊ में और पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, देश के सभी खिलाड़ियों को मेरठ के अंदर सम्मान देने का कार्य किया था। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी संकल्पना को आगे बढ़ाने का था। खिलाड़ी जो भी है वह देश के लिए खेलता है, वह देश के लिए पूरी समर्पण भाव के साथ खेलता है, और इस भाव के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अंदर आयोजित करने का काम भी किया। आज प्रदेश ने अपने खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर शासन की सेवाओं में नियुक्ति के लिए 2% क्षितिज आरक्षण की व्यवस्था भी की है, जिसमें लगभग 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और बहुत शीघ्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक में, एशियाड में, राष्ट्रमंडल के खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं उन्हें प्रदेश से, प्रदेश सरकार के विभिन्न सेवाओं में अवसर प्राप्त होने वाला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद देश भर से आए हुए इन युवा खिलाड़ियों को प्राप्त होना है। यह भारत की नई ऊर्जा है और इस नई ऊर्जा को
आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपके मार्गदर्शन में ये सभी कार्यक्रम कुशलता पूर्वक संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने बल्कि देश भर से आने वाले इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के देखने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। मैं एक बार इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के अंदर देने के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को यहीं पे प्रांत देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी मंगल कामनाओं के लिए। और अब बारी है एंथम और शुभंकर के स्वागत की। इस वर्ष का शुभंकर जीतू और पूर्व प्रतियोगिताओं के शुभंकर जय विजय, इन तीनों का हम स्वागत करेंगे। मैं एनसीसी के कैडेट्स और बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के छात्रों से अनुरोध करूंगी कि एंथम के सुरों के साथ इन शुभंकर को, जीतू, जय और विजय को हमारे समक्ष लाएं, जिससे हम इनका स्वागत कर सकें। देश के युवाओं में